हमारी ज़िंदगी एक बहते नदी के समान है जो कभी भी रुकती नहीं है, बस चलती चली जाती है। और इस ज़िंदगी में हम सभी कुछ न कुछ सपने सजोते हैं, कुछ ऐसा करने की चाह रखते हैं जिसे पूरी दुनिया याद रखे, और हम फिर उस सजोए सपने को पूरा करने में जी जान लगा देते हैं। लेकिन प्रकृति कभी कभी हमारे सपनों की दिशा मोड़ देती है। अब ऐसे में हम वहीं रुक जाते हैं या फिर एक नए सपने के साथ और फिर उसे साकार करने के लिए फिर से अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसको बचपन से ही फुटबॉल खेलना पसंद था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक महान फुटबॉलर बने और अपनी पसंदीदा क्लब रियल मैड्रिड कास्टिला की ओर से फुटबॉल खेले। वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन की वजह से एक दिन उस लड़के का सपना साकार हो गया। उस लड़के को रियल मैड्रिड की ओर से साइन कर लिया गया। वो लड़का एक बहुत अच्छा गोलकीपर था, इसलिए लोग कहने लगे कि वो देश का नंबर वन गोलकीपर बनेगा। फुटबॉल के प्रति उसका जुनून देखते ही बनता था। जैसे ही वह मैदान में उतरता, चारों ओर उसका ही नाम सुनाई देता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ कार से कहीं घूमने जा रहा था कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में लड़के को इतनी गहरी चोटें आई कि वो लड़का पैर के नीचे से पैरालाइज हो गया। दुनिया का नंबर वन फुटबॉलर और गोलकीपर बनने का ख्वाब देखने वाला लड़का अब खुद से हिल भी नहीं सकता था। डॉक्टर्स ने ये साफ कह दिया कि खेलना तो दूर, शायद ये चल भी नहीं पाएगा। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े होने की वजह से उस लड़के का जीवन बहुत दर्दनाक और नीरस हो गया। फिर लड़के ने अपने इस दर्द को कम करने के लिए एक गिटार मंगवाया। लड़का दिन रात गिटार बजाता और अपनी तकलीफ को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने कविताएं और गाने लिखना भी शुरू कर दिया। लड़का धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को सामान्य बनाने लगा। एक्सीडेंट के करीब 5 साल बाद उस लड़के ने एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया, जिसमें उसने लाइफ गोज ऑन द सेम गाना गाया और फर्स्ट प्राइज भी जीता। हालांकि एक्सीडेंट का शिकार होने के बाद वो लड़का कभी फुटबॉलर तो नहीं बन सका, लेकिन संगीत की दुनिया में उसने अपना नाम कमा लिया। संगीत की दुनिया में अब उसका नाम 10 बड़े मशहूर गायकों में शुमार है। अब तक उसके 1000 से ज़्यादा एल्बम आ चुके हैं। वो लड़का कोई और नहीं, स्पेन के मशहूर सिंगर जूलियो इग्लेसियस है। साल 1983 में जूलियो ने दुनिया भर में सबसे अधिक भाषाओं में गाने रिकॉर्ड करने का जश्न मनाया था। तो जूलियो इग्लेसियस की लाइफ से हम सीखते हैं कि किस तरह प्रकृति हमारे सपनों को ध्वस्त भी कर देती है और जीवन के रास्तों को कैसे छुपा देती है। बुद्धिमान इंसान उन रास्तों को खोज लेता है और आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपने ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से यादगार बना देता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।